आइए देखते हैं चैप्टर तीन क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं आज इससे आगे। आज होप है चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चैप्टर तीन का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, खास तौर से इंटरनल एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर वन था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर दो था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बियॉन्ड आर कंट्रोल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, सोशियो है, कल्चरल है, ग्लोबल एनवायरनमेंट है एंड सो ऑन, टेक्नोलॉजी है। अब हम इसमें बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की, जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके काम करने का तरीका है, वर्क एथिक्स है, कल्चर है, स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों के बीच में काम करने का तरीका है, कोहेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, सेनर्जी है, इन सब चीजों को हम इंटरनल एनवायरनमेंट में देखा करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग। पांच मेन टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले टॉपिक का नाम है की स्टेक होल्डर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट होता है, उनका कुछ पावर होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपैक्ट डाला करते हैं। इसको हम समझ सकते हैं मेंडिलो मैट्रिक्स के माध्यम से, जो कि चार स्थितियों को बताती है। हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले लोग जो होते हैं, उनसे लेके लो पावर और लो इंटरेस्ट के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है। फिर हमने स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स को पढ़ा, जिसके तहत चार चीजें पड़ी, इंडस्ट्री क्या होती है और मार्केट क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल को बनाने वाली कंपनी है, तो मारुति आ जाएगा इसमें, टाटा आ जाएगा इसमें, जनरल मोटर्स आ जाएगा इसमें, फोर्ड आ जाएगा इसमें, फॉक्स वैगन आ जाएगा इसमें, तो ये कहलाएंगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसी तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो जैसे जियो हो गया, जैसे एयरटेल होगा, वोडाफोन आइडिया हो गया, बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट एंड सर्विस देने वाले। और फिर होता है मार्केट। मार्केट का मतलब होता है जहां बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हमारे इकट्ठे होते हैं। तो एक होते हैं जिनको माल बेचना होता है, एक होता है जिनको माल खरीदना होता है, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा मार्केट। अब ये मार्केट लोकल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। उसके बाद आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं लेकिन खुद कंज्यूम नहीं करते। जो खुद कंज्यूम करते हैं और खुद ही खरीदते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर कहा करते हैं। तो कस्टमर वो लोग होते हैं जो गुण दोषों के आधार पर चीजों को लिया करते हैं। तो जैसे एक पेरेंट के तौर पे मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ले रहा हूं तो मैं कस्टमर कहलाऊंगा, और मेरे बच्चे चूंकि उसको प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वो इसके कंज्यूमर कहलाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करके देती है, जिसे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के नाम से जानते हैं। जैसे बत्रा सर आपको बत्रा क्लासेस के तौर पे ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स दे रहे हैं, जो अभी हम लोग 2500 की रेट पे आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। घर पे डोर स्टेप पे आपके कलर्ड नोट्स पहुंच रहे हैं अनलिमिटेड व्यू के साथ। मई 2024 या जो भी आपका एग्जाम टर्म है वहां तक आपको ये कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो नवंबर 2024 हो, मई 2025 हो, या नवंबर 2025 है, उसके बाद का कोई अटेम्प्ट हो। उसके बाद हमने पढ़े थे चैनल्स। चैनल मतलब होता है वो तरीका डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप तक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहुंचाता है। तो हमने देखा था सेल्स चैनल होते हैं, प्रोडक्ट चैनल होते हैं एंड सो ऑन। तो चैनल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके माध्यम से चीजें आप तक पहुंचती है। उसके बाद हम देखेंगे कोर कॉम्पिटेंस को। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आप में कुछ खास है। अभी अपने आप में एक स्किल नहीं होती, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्किल्स। तो आपका एक्सपीरियंस है, आपके काम करने का तरीका है, आपके वर्क कल्चर्स के हिस्से हो सकते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जिनसे मिलके बनता है ये हमारा कोर कॉम्पिटेंस। ये कोर कॉम्पिटेंस जो है ये आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहलाती है, जिसके आधार पर आपको मिलती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जो अगला स्टेज है इसका। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शॉर्ट एनालिसिस। चार फैक्टर इसके अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है ये दो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दो एक्सटर्नल फैक्टर कहलाते हैं। तो हम इंटरनल से एक्सटर्नल चार फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं, पहले इंटरनल बाद में एक्सटर्नल, तो इसको अपन शॉर्ट एनालिसिस का नाम दिया करते हैं। ये एक प्लानिंग टूल है, ये एक प्लानिंग टूल है जो कि हमें इन चार स्थितियों को कंपेयर करके स्थितियों के बारे में जानकारी देता है, जिसको बाद में चल के हम लोग अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था पॉटर, माइकल पॉटर, महागुरु साहब बत्रा सर के भी जो गुरु हैं, उनके द्वारा दी गई जनरिक स्ट्रैटेजी। तीन प्रकार की स्ट्रैटेजी है। कॉस्ट लीडरशिप वो होती है जो सबसे सस्ता माल को जो है बना के बेचा करती है मार्केट के अंदर। मैकडॉनल्ड का हमने उदाहरण देखा था, टेकेथलन ग्रुप का देखा था, और हम जानते हैं कई तरीके के चाइनीज प्रोडक्ट आते हैं जो कि मोबाइल क्षेत्र में भी सबसे सस्ते प्रोडक्ट को बेचते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब
सबसे सस्ते के सामने हम लोग अपने प्रोडक्ट में इतनी यूनिकनेस लाए कि लोग उसके लिए प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हो जाए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एप्पल का ओएस और एप्पल खुद। तीसरा होता है फोकस, जो कॉस्ट लीडरशिप होता है और डिफरेंशिएशन होता है, ये ब्रॉड मास मार्केट के लिए होता है, बड़े मार्केट के लिए होता है। वहीं अगर मार्केट आपका सफिशियंट साइज का है, हालांकि छोटा होता है उनके मुकाबले, लेकिन इसमें इनफ पोटेंशियल होता है, मार्जिन होता है, तो लोग इस मार्केट को भी फोकस मार्केट या नीश मार्केट या कंसंट्रेटेड मार्केट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोल्स रॉयस हमने कहा था, गाड़ियां हर एक नहीं खरीदता है, या लिमिटेड एडिशन वॉच आती है हमारी, है ना। तो ये सारी चीजें हम फोकस के तहत देखने जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा ये यूनिट है, मैं होप करता हूं आपको ये यूनिट याद हो चुका होगा, हमने कई बार इसको रिवाइज किया। आज मैं उस डिटेल के रिवीजन में नहीं जाने वाला क्योंकि हमने कई बार उसको किया है। अब हम केवल और केवल जेनरिक स्ट्रेटेजीज, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा, उसको देखने जा रहे हैं। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सभी लोग खुली आंखों से इस चैप्टर के ओवरव्यू को याद कर लो। इसका नाम है चैप्टर नंबर 3, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। इसके अंदर 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला की स्टेक होल्डर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैंडिलो मैट्रिक्स को, उसके बाद स्ट्रेटेजिक ड्राइवर जो है इंडस्ट्री एंड मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस एंड चैनल, उसके बाद कोर कॉम्पिटेंस, उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस, और अंत में है माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटेजी जो है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। तो टेक सम टाइम एंड ग्रैब इट, दिमाग में बिठा लो इसको, ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। जैसे पहले 2 चैप्टर हमने याद किए हैं, उसके ओवरव्यू के तौर पे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और ये है चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। तो फटाफट से याद कर ले इसको। तो चलें आगे, सभी ने याद कर दिया, तो आइए शुरू करते हैं माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटजीज को। कॉस्ट लीडरशिप हमने कल डिस्कस किया था, आज क्विकली उसको रिवाइज करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन और फोकस पे चलेंगे। समय बचा तो हमारे पास में आज हमें लेने हैं एमसीक्यू। यस, तो हम कल डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटेजी के बारे में। 3 तरीके की जेनरिक स्ट्रेटेजी होती है, जिनको हमने कल पढ़ा था इन नामों से, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस, या जिसको हम कहते हैं नीश। माइकल पॉटर के अकॉर्डिंगली कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन करने के 3 तरीके हैं, जिनके नाम है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। पॉटर इन्हें जेनरिक स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, बेसिक स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी टाइप के साइज ऑफ बिजनेस पे लागू की जा सकती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो। कॉस्ट लीडरशिप किसको कहते हैं? उन कंपनियों को कहते हैं हु आर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट पर यूनिट, जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए होती है। मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाती हो, वेस्टेज नहीं के बराबर होती हो, लो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आती है उनकी, और साथ में वो प्राइस सेंसिटिव हो। जैसे ओप्पो, वीवो, हमने बताया था ये मार्केट में सबसे सस्ते फोन्स आते हैं चाइना के, तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए है, लो कॉस्ट पर यूनिट है इनकी कॉस्ट। दूसरा है डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं जो यूनिक होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, कुछ अलग होता है, और इसके लिए प्रीमियम चार्ज किया करते हैं, ये प्राइस इनसेंसिटिव मार्केट में काम करते हैं। और तीसरे होते हैं फोकस, जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कस्टमर के लिए काम करते हैं और उनके स्पेसिफिक टेस्ट के लिए काम करते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स, अल्काटेल, आपको ऐसे कई हमने और चीजों के बारे में जानकारी दी थी। पॉटर ने कहा है जो स्ट्रेटेजी होती है,
ये लार्जर फर्म्स के लिए भी है और शॉर्ट के लिए, छोटे के लिए भी है। लार्जर फर्म्स जनरली अडॉप्ट करती हैं कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, छोटी फर्म्स जो होती हैं वो स्मॉल यूज करती हैं फोकस स्ट्रेटेजी। चित्र के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हो कॉम्पिटेटिव स्कोप क्या है। ब्रॉड टारगेट अचीव करती हैं कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, नैरो टारगेट में काम करती हैं फोकस, और फोकस में भी दो हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन। बात आ रही सबको समझ में? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। उसके बाद हमने कहा था कॉस्ट लीडरशिप की खासियत क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब लो कॉस्ट कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी, ब्रॉड मास मार्केट के लिए काम करती है। जो प्रोडक्शन किया जाता है यहां पे वो कॉस्ट रिडक्शन मेथड पे काम किया करता है। ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस होती है, हमारे वेस्टेज कम होते हैं, लिमिटेड पर्क्स होते हैं, हर चीज कॉस्ट रिडक्शन के तौर पे यूटिलाइज की जाती है। तो आप लोअर कॉस्ट रखें आप कॉस्ट लीडर बनेंगे, प्राइस चार्ज कम करें आप लो कॉस्ट लीडर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट अर्न करने चाहिए। जैसे मैकडोनल्ड की बात करें, उसके अपने फास्ट फूड चेन्स में उसने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाया है सक्सेसफुली कि वो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी के कारण अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम रख पा रहा है और फिर भी प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। ऐसे ही एक और ग्रुप है स्पोर्ट्स में, डेकेथलन ग्रुप, जो कि मेगा स्पोर्ट्स स्टोर लगाए हुए हैं पूरे दुनिया भर में और लो कॉस्ट लीडरशिप के कारण दुनिया भर में उसके प्रोडक्ट पहुंचाने जाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, और भी कई तरीके थे, कंसेंट्रिक, कॉन्क्लूवेड। उन सबको करने का पर्पज यही होता है कि हम किसी तरीके से अपने में R&D इनोवेशन लाएं और हम कॉस्ट लीडरशिप को अटेंड करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अटेंड करें। और यहां आपका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी को इससे फुल यूटिलाइज करना सीखते हैं। सप्लायर और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के बीच के लिंकेज आपको एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो आपका मार्केट प्राइस सेंसिटिव बायर्स का होना चाहिए और वहां पर डिफरेंशिएशन के बहुत ज्यादा तरीके उपलब्ध नहीं होने चाहिए, तो ये आपको बड़ा सूट करेगा। बेसिक आइडिया क्या है यहां पे, जब आप कॉस्ट लीडर बनते हैं तो हमें अंडर प्राइस करना है अपने कॉम्पिटिटर को, उनसे सस्ते में माल बेचना है, और इस तरीके से हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाया करते हैं और कॉम्पिटिटर बन के मार्केट में उतरा करते हैं। एक सक्सेसफुल जो कॉस्ट लीडर होता है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है, उसकी ओवरहेड कॉस्ट लो होती है, लिमिटेड पर्क्स होते हैं, इनटॉलरेबल ऑफ वेस्ट होता है, इसके अलावा वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल होते हैं और कॉस्ट कंटेनमेंट रिवार्ड्स होते हैं। मतलब जो कॉस्ट में कटिंग करके देगा उसको हम क्या करेंगे, इनाम देंगे। तो अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर आप जो है कॉस्ट लीडरशिप अटेंड कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बिना दिक्कत के कर पाएंगे। उसके बाद था क्या रिस्क है ना, अगर कुछ एडवांटेज होती है तो किसी के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर जुड़ी होती है। तो अगर डिसएडवांटेज, पहले डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो ये है कि अगर आप कॉस्ट लीडर हैं और लगातार बने हुए हैं तो आपके कॉम्पिटिटर आपकी नकल कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं आपको। इससे सभी लोगों ने अगर अपनी कॉस्ट में कटिंग करना शुरू किया तो ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, एयर डकन एक ऐसी एयरलाइंस थी जिसने मेट्रो के बीच में 500 रुपए में फ्लाइट शुरू की थी और उसकी देखा देखी सभी एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइटों की कॉस्ट में कमी की और उसके कारण ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री डाउन आ गई और अल्टीमेटली एयर डक्कन दिवालिया हो गई, उसका काम तमाम हो गया। इसलिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे को कि प्रॉफिट डाउन आ जाते हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज होते हैं, जैसे आजकल AI का प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे हमारी स्ट्रेटेजी इनफेक्टिव हो सकती है, हमारा काम करने का तरीका, प्रोडक्शन मेथड, सब चीजें इनफेक्टिव हो सकती है। तो ये दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप। पहला, फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड, मतलब आपको पता होना चाहिए साल भर में कितने प्रोडक्ट मैं बेच पाऊंगा, उसकी पहले से मैं अगर एस्टिमेशन कर लेता हूं तो अकॉर्डिंगली मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लूंगा सस्ते में, प्रोडक्शन कर लूंगा मैं समय रहते हुए और उसका वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन करते अच्छा पैसा कमा लूंगा। तो फोरकास्टिंग करनी आनी चाहिए डिमांड की। नंबर टू, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग होगा तो नेचुरली आप पर यूनिट कॉस्ट को कम कर पाएंगे। तीसरा, इकोनॉमी ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो तो पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब दुनिया में एक जैसा प्रोडक्ट आना चाहिए। मैकडोनल्ड की बात कर लो, मैकडोनल्ड के बर्गर कहीं भी खाओ आप एक जैसी टेस्ट के, एक जैसे ही बने हुए होते हैं। इंडिया में खाओ, यूके में खाओ, यूएस में खाओ, मैंने हर जगह खाया, कोई फर्क नहीं है, एक जैसा ही टेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, और इससे वेस्टेज भी कम होता है। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो जिससे कॉस्ट में कमी आती है।
और इसके साथ साथ जब तक संभव है डिफरेंशिएशन को अवॉइड करो। तो अगर आप रजिस्ट करोगे डिफरेंशिएशन को तो लंबे समय तक आप कॉस्ट लीडर बने रहोगे। एडवांटेज क्या है कॉस्ट लीडर अगर आप बनते हो तो? अगर एक कॉस्ट लीडर बने हुए हो तो आप प्रॉफिटेबल बने रहते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको ये मिलता है। अब बात आती है जो माइकल पॉर्टर के 5 फोर्सेस थे, राइवल्स, बायर, सप्लायर, न्यू एंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट, ये आप पे कॉस्ट लीडर होने पर क्या प्रभाव डालते हैं या इनका आप पे क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर वन, राइवल्स। राइवल्स कभी भी आपसे प्राइस वॉर नहीं करता है, क्योंकि आप सबसे कम कॉस्ट पे माल को प्रोड्यूस करते हो तो आपसे प्राइस वॉर करके कोई क्या प्राप्त कर लेगा, इसलिए प्राइस वॉर नहीं किया जाता है, राइवल द्वारा आपके द्वारा, और इससे आप बने रहते हैं प्रॉफिटेबल। बायर्स, बायर आपको छोड़ के कभी नहीं जाता, क्योंकि आपसे सस्ता कोई देने वाला ही नहीं है, इसलिए बायर आपको कभी छोड़ के नहीं जाता है। सप्लायर, सप्लायर को इतना बड़ा माल परचेज करने वाला कोई और मिलता नहीं है, इसलिए आप अगर प्राइस वो कम ज्यादा भी कर लेता है तो आप एब्जॉर्ब करना जानते हैं उस शॉक को। न्यू एंट्रेंट के लिए एंट्री बैरियर है, क्योंकि इस स्केल पे कोई काम करता नहीं, अगर आएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा इतने बड़े लार्ज सम के साथ एंटर करना। और लास्ट, सब्स्टिट्यूट जो है, लो कॉस्ट लीडर जो होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट होना मुश्किल होता है, तो ये भी एक एंट्री बैरियर बन गया। तो कॉस्ट लीडर होते ही माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस से भी आप अपने आप को इम्यून कर लेते हो, उनका भी कोई प्रभाव आप तक नहीं पड़ता है। अब बात आती है डिसएडवांटेज क्या कॉस्ट लीडर होने की। सबसे पहला है, लंबे समय तक कॉस्ट लीडर आप बने नहीं रह सकते, बहुत जल्दी आपके कॉस्ट लीडरशिप की क्षमताओं को इमिटेट करके कोई ना कोई और कॉस्ट लीडर बन जाएगा। नंबर टू, आप केवल तभी सक्सीड कर सकते हैं जब हायर सेल्स वॉल्यूम को अचीव करें। और नंबर तीन, कॉस्ट लो जो है आप रखते हैं तो वो कैसे रख सकते हैं? आप अपनी हर चीज में कटौती करो, आप एडवर्टाइजमेंट में कटौती करो, मार्केट रिसर्च में कटौती करो, आप जो है वो लॉन्ग एक्सपेंसिव तरीके से जो मत चलो, तो लगातार ऐसा करते रहोगे तो मार्केट से भी आउट हो जाओगे, है ना, लोग जानना पहचानना भूल जाएंगे क्योंकि आपके ऐड ही नहीं आते हैं। तो ये एक और दुविधा का कारण, दिक्कत का कारण हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट आ गए, AI का प्रयोग होने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर आने वाले समय में दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात आज याद कर लो, है ना, AI आने वाले समय में ड्राइवर की नौकरी खा जाएगी, सेल्फ जो है ड्राइविंग कार्स आ जाएंगे, ये हमारे जो है वो कई जगह नेविगेशंस में जो इक्विपमेंट काम आते हैं उसकी जरूरत को खत्म कर देगा, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं रहने वाले, गूगल ट्रांसलेटर्स आ चुके हैं हमारे पास में, कई और तरीके के जॉब्स जो पहले आदमी किया करता था आज वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिलके कर लेंगे, आपकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं रहने वाली है। तो आप सोच लें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कैसे किसी कंपनी को, कैसे किसी कॉस्ट लीडर को मार्केट से ही वाइप आउट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो इतना अपन ने पढ़ा था, मैं होप करता हूं फिर से मैंने रिवाइज करा दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू हैव एनीथिंग, आप चैट बॉक्स खुला है, फटाफट से अपनी प्रॉब्लम लिख के पूछ लें, वरना हम चलते हैं इससे आगे। तो चलिए, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ऐसा प्रतीत होता है, हम चलते हैं अगली स्ट्रेटेजी की तरफ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, आइए। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी यूनिकनेस डेवलप करो कि लोग कॉस्ट लीडर के सामने आपका प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि कॉस्ट लीडर अपनी कम कॉस्ट के कारण आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आप उसके सामने कॉस्ट लीडर तो हो नहीं सकते, आप उससे कम कॉस्ट पर जा नहीं सकते, तो अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट फीचर ले आओ, कोई ऐसी खासियत ले आओ जिसकी वजह से लोग कम कॉस्ट का प्रोडक्ट छोड़ के आपको ज्यादा पैसा देके भी आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहें। जैसे मार्केट में एप्पल के साथ होता है, एप्पल जब भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है आपने देखा होगा स्टोर के बाहर रात भर लाइनें लग जाती है, और खुलते ही सुबह प्रोडक्ट पानी की तरह बिका करता है। तो उसने सस्ते चाइनीज प्रोडक्टों के सामने भी अपनी इंपॉर्टेंस बनाई हुई है बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो एक गुण है, एक कारण है जिसकी वजह से ब्रॉड मास मार्केट में आपका प्रोडक्ट
कॉस्ट लीडर के सामने टिका हुआ है, क्योंकि वो प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स को अपनी तरफ खींचता है, अपील करता है ना। भारत की सड़कों पर आज भी आप चले जाओगे तो 5 में से 2 गाड़ियां मारुति की मिलेंगी, लेकिन इसी सड़क पे आपको एक विदेशी गाड़ी भी चलती नजर आएगी। अब वो जनरल मोटर की हो सकती है, फोर्ड की हो सकती है, टोयोटा की हो सकती है ना, हुंडई की हो सकती है, होंडा की हो सकती है, ऑडी की हो सकती है, बेंटले की हो सकती है, तो 5 में से 1 गाड़ी तो उनकी भी है ना। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे को आम गाड़ी नहीं चाहिए जो सबके पास है, हमें कुछ खास चाहिए जिसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देने के लिए तैयार हैं, तो वो ऐसी लग्जरी गाड़ियों की तरफ भी अपना रुख करते हैं। डिफरेंसिएशन, बात आई क्या सबको समझ में? तो आइए बात करते हैं डिफरेंसिएशन की। डिफरेंसिएशन स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट द ब्रॉड मास मार्केट। सबसे पहले तो ये किसके लिए है? बड़े मार्केट के लिए। तो कॉस्ट लीडर भी बड़े मार्केट के लिए, ये भी बड़े मार्केट के लिए। एंड इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज यूनिक। कस्टमर की नजरों में क्या है? वो यूनिक है। उसमें ऐसे यूनिकनेस के कुछ गुण होने चाहिए कि कस्टमर को लगे ये कुछ खास है, मुझे अब ये चाहिए, इसके लिए चाहे जो पैसा देना पड़े मैं लूंगा। यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिजाइन। ये यूनिकनेस कहां पे हो सकती है? प्रोडक्ट ही अलग तरीके से डिजाइंड है, ब्रांड इमेज उसकी कुछ अलग है, जैसे एप्पल की है, फीचर उसमें ज्यादा है, टेक्नोलॉजी उसमें एडवांस है, डीलर नेटवर्क उसका बहुत बढ़िया है, कस्टमर सर्विस उसकी दूसरों से अच्छी है। कोई ना कोई कारण होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट डिजाइन एक कारण हो सकता है, ब्रांड इमेज एक कारण हो सकती है, फीचरल एडवांसेस का एक कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजी में नयापन एडवांसमेंट एक कारण हो सकता है, डीलर नेटवर्क के कारण हो सकता है, कस्टमर सर्विस एक कारण। तो हम देख रहे हैं कई सारे कारणों की वजह से डिफरेंशिएशन आ सकता है, इनमें से कोई एक कारण भी काफी होगा डिफरेंशिएशन लाने के लिए। बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन द बिजनेस कैन चार्ज ए प्रीमियम फॉर द प्रोडक्ट। अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए तो हम चार्ज कर सकते हैं प्रीमियम, ज्यादा पैसा ले सकते हैं मार्केट से, और लोग खुशी खुशी देते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज पिज्जा, सुना होगा आपने इसके बारे में, हैव बीन ऑफरिंग होम डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स और द ऑर्डर इज फ्री। इट इज ए यूनिक सेलिंग पॉइंट दैट डिफरेंशिएशन फ्रॉम इट्स राइवल। तो डोमिनोज कहता है कि मेरा पिज्जा ऑर्डर करने के बाद मैं 30 मिनट के अंदर आपको घर पे डिलीवर कर दूंगा, नहीं दिया तो मेरी तरफ से ही आपको फ्री है। कोई जमाने में परेश रावल का एक ऐड आता था टीवी पे, ऑर्डर करता है वो और कहता है अब तो मैं इतनी दूर बैठा हूं कि डिलीवर नहीं होगा, और 30वां मिनट होता है कि दरवाजे पे घंटी बजती है, डोमिनोज वाला हाजिर होता है, आज भी पिज्जा खरीद के खाना पड़ेगा, फ्री नहीं मिलेगा क्योंकि डोमिनोज 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करता है। वो अपने पॉइंट को रिटरेट कर देते हैं उस एड के माध्यम से। तो पर्पस क्या है? कुछ यूनिकनेस, और इसके कारण डोमिनोज दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा चार्ज करता है क्योंकि वो डिलीवर करता है विद इन 30 मिनट, विच इज ए यूनिक पॉइंट इन कंपैरिजन टू अदर पिज्जा कंपनीज। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, समझ लो कि डिफरेंशिएशन आपने कर लिया तो इसका मतलब गारंटी नहीं है कि आप सक्सीड कर गए, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर देने के बाद लोगों को वो पसंद भी आना चाहिए कि आपने जो डिफरेंशिएट किया वो उनको पसंद आ रहा है, उनके काम की है। आप ऐसा डिफरेंशिएशन ले आओ जो लोगों के काम का ही नहीं हो, है ना, डिफरेंशिएशन है पर लोगों के काम का नहीं है, परसीव नहीं करते वो कि ये डिफरेंशिएटेड है, तो आपका डिफरेंशिएशन आप अपने पास रखो, लोगों की नजरों में बेकार है। तो डिफरेंशिएशन कर लेना ही सक्सेस की गारंटी नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की गारंटी नहीं होता है। स्पेशली इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सफिशियंटली मीट द कस्टमर नीड और इफ द रैपिड इमिटेशन बाय द कॉम्पिटिटर इज पॉसिबल, तो फिर ये बेकार का डिफरेंशिएशन है। लोग जल्दी से आपका यूनिकनेस अपना लेते हैं, लोगों की नजरों में वो सफिशियंट नहीं है, तो ऐसा डिफरेंशिएशन काम का भी नहीं है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड बाय बैरियर टू क्विक इमिटेशन बाय द कॉम्पिटिटर एरिया इज बेटर। तो आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो तो एक तो लंबे समय तक चलते हो, ड्यूरेबल हो, और दूसरा क्विक इमिटेशन से बचे हुए हो, कोई भी इजीली उनकी नकल ना कर सके। सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कैन मीन ग्रेटर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर कंपेटेबिलिटी, लोअर कॉस्ट, इंप्रूव्ड सर्विस, लेस मेंटेनेंस, ग्रेटर कन्वीनियंस एंड मोर फीचर। तो अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा लानी पड़ेगी प्रोडक्ट के अंदर, ग्रेटर कंपेटेबिलिटी लोगों को उपयोग में लानी पड़ेगी,
कॉस्ट को हमें कम रखना पड़ेगा, सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, कन्वीनियंस को, लोगों की सुविधा को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देने पड़ेंगे, तभी आप अपने में कुछ यूनिकनेस ला पाएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजी दैट ऑफर द एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में बनाना, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में बनाना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसा ही तरीका है जो कि आपको देता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी शुड बी परसूड ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस। बिना उसकी बात को सोचे समझे अगर हम डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो नतीजा नहीं आएगा। हमें बायर की नीड को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्या कॉस्ट आएगी, वैसा प्रोडक्ट लोग खरीदना चाहेंगे, इसका कोई एक प्रोटोटाइप बना के टेस्ट कर लिया जाए, फिर कहीं मार्केट में उतरा जाए तो इसका फायदा मिल सकता है। टू डिटरमाइन द फीजिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग वन और मोर ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फीचर इनटू द यूनिक प्रोडक्ट द कस्टमर डिजायर्ड एट्रीब्यूट मस्ट बी देयर। तो कस्टमर डिजायरेबल एट्रीब्यूट होने चाहिए, कस्टमर को देखने से लगना चाहिए मैं जिस चीज को लेने आया हूँ वो इसमें उपलब्ध है, तो इमीडिएटली परचेज कर लेगा। लेकिन अगर उसको लगता है मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट फीचर तो इसमें है ही नहीं, है ना, कोई समझावे उसे तब उसे पता चल रहा है, तो वो जो परसीव्ड नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, ऐसे के प्रति हम लोग थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं, लेने के प्रति इच्छा नहीं रखते हैं। ए सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अलाउ द फर्म टू चार्ज ए हायर प्राइस। अगर हम सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कर पाए तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लोग देने के लिए भी तैयार है। फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड टू गेन कस्टमर लॉयल्टी बिकॉज कंज्यूमर में बिकम स्ट्रांगली अटैच टू द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो जो एप्पल के ब्रांड फॉलोअर्स हैं वो एप्पल का ही प्रोडक्ट लेते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है। स्पेशल फीचर द डिफरेंशिएट वन प्रोडक्ट कैन इंक्लूड सुपीरियर सर्विस स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। हम दूसरों से ज्यादा अच्छी सुविधा देते हैं, हमारे पास स्पेयर पार्ट हमें हमेशा उपलब्ध रहता है, आपका खराब हो जाता है तो रिप्लेस करके देते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन हमारी अच्छी है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बेटर है, यूजफुल लाइफ है, लंबे समय तक चलती है, गैस माइलेज, अगर कोई ऑटोमोबाइल है तो आप कम गैस पे ज्यादा माइलेज चल पाते हैं और यूज करना उसको आसान है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं और इस वजह से आप मार्केट में पाते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और लोग इस यूनिकनेस के कारण आपको देते हैं प्रीमियम, ऐसा ज्यादा देते हैं ताकि आप इस प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से उपयोग करें और उसके लिए वो ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार है। क्या बात आ रही है सबको समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम पढ़ रहे हैं सेकंड स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, हमने डिटेल में बता दी कैसे कॉस्ट लीडर के सामने डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, क्या गुण होने चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। लेट अस सी दिस इन कमिंग पेजेस ऑल्सो। तो आगे और हम बात करेंगे इसी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के, हाउ टू अचीव इट, कैसा इसका एडवांटेज है, कैसा इसका लिमिटेशन है, एंड सो ऑन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इससे आगे। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ए रिस्क एसोसिएटेड विद परसुइंग ए डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज दैट यूनिक प्रोडक्ट मे नॉट बी वैल्यूड हाई इनफ बाय द कस्टमर टू जस्टिफाई द हायर प्राइस। आपने कहा ये मेरा प्रोडक्ट अलग है, लेकिन कस्टमर को भी लगना चाहिए कि वाकई ये प्रोडक्ट अलग है और उसके लिए जितना पैसा ये चार्ज कर रहे हैं उतना मुझे इसको देना चाहिए, तो उसकी नजर में भी ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक प्रोडक्ट कस्टमर की नजर में भी यूनिक होना चाहिए जिसके लिए पैसा चार्ज करने के लिए या देने के लिए तैयार हो। व्हेन दिस हैपेंस ए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी विल इजीली डिफीट ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अगर कस्टमर की नजरों में आप यूनिक नहीं हो, उसको ये प्रोडक्ट फीचर कोई खास नहीं लगता है जिसके लिए पैसा देना चाहता है, तो वो डिफरेंशिएशन को छोड़ के कॉस्ट लीडरशिप की तरफ मुड़ जाएगा और वो कॉस्ट लीडरशिप वाला प्रोडक्ट ही खरीदेगा। अनदर रिस्क ऑफ परसुइंग द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज दैट कॉम्पिटिटर मे डेवलप वेज टू कॉपी द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्विकली। अगर आपका फीचर ऐसा है कि आसानी से कॉपी हो जाता है तो आपके कॉम्पिटिटर आपके इस डिफरेंशिएटिंग फीचर को कम्पीट करने के लिए तुरंत इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे। फर्म्स मस्ट फाइंड ड्यूरेबल सोर्सेज ऑफ यूनिकनेस दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड क्विकली और चीपली बाय द राइवल फर्म्स। तो राइवल फर्म्स द्वारा आसानी से इमिटेट ना हो ऐसा हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
अमेजन प्राइम ऑफर डिलीवरी विद इन 2 आवर्स। अमेरिका में अमेजन प्राइम क्या करता है, 2 घंटे के अंदर ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी देने लग गया। अब ये एक ऐसा फीचर है जो हर एक के लिए कॉपी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय द ड्राइवर एंड दस इट इज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हेल्प्स टू लीड द मार्केट। इसलिए अमेजन प्राइम अभी भी नंबर 1 बना हुआ है अमेरिका में, क्योंकि वो जो डिलीवरी दे रहा है ड्रोन के माध्यम से 2 घंटे में, कोई चाहते हुए भी उसे कॉपी नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीजें वो खुद नहीं ला पा रहे हैं। बात आई क्या सबको समझ में? तो यहां हमने क्या पढ़ा, रिस्क वो पढ़ा, क्या रिस्क है, इमिटेट कर लेते हैं कोई लोग, दूसरा लोगों की नजरों में जो यूनिकनेस आप कह रहे हो वो यूनिकनेस है ही नहीं, तो उनकी नजरों में जब वो यूनिकनेस नहीं है तो आपको प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा और क्यों आपको एक प्रीमियम प्राइस देगा। तो ये कुछ अंतर हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो हमने इसके बारे में समझी, रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। आइए अब बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या कारण है हमारे डिफरेंशिएशन के। देयर आर सेवरल बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन, 3 कारण हम बताते हैं। पहला प्रोडक्ट में अंतर कर लो, दूसरा प्राइसिंग में अंतर कर लो, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में अंतर कर लो। आप 3 जगह डिफरेंशिएशन ला सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट ही एक यूनिक ले आओ, कोई ऐसा देता नहीं है, दूसरा प्राइसिंग इतनी कर लो कि आप अलग उसकी प्राइस दिखे आपको, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका इतना यूनिक कर लो कि वो अलग से नजर आने लगे। तो 3 तरीके हैं डिफरेंशिएशन के, प्रोडक्ट प्राइस और ऑर्गेनाइजेशन, पीपीओ। तो पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब कोई एक ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जिससे हम अपने कोई काम को कर सके। इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट मीट द कस्टमर नीड कैन बी एन एरिया वेयर द कंपनी कैन हैव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर। तो ऐसे नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालो जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट कस्टमर को बहुत ही यूजफुल साबित हो और वो उसका उपयोग करे। हाउएवर द परसूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग कैन बी कॉस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण, एज वेल एज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग भी कॉस्टली हो सकती है क्योंकि ये नया तरीके से करना पड़ेगा। द पे ऑफ हाउएवर कैन बी ग्रेट एज कस्टमर फ्लॉक अमंग द मस्ट टू हैव द न्यू प्रोडक्ट। लेकिन कस्टमर उस नए प्रोडक्ट को लेता है क्योंकि पहला लेने वाला वो बंदा बनता है, और ये हमारे में एक थोड़ा सा कहना चाहिए खिंचाव होता है ना, जैसे कई लोग होते हैं पहला दिन पहला शो मूवी का देख के आना, और कई सालों से उनके चला रहा है अपने फेवरेट जो है आर्टिस्ट का, वो पहले दिन पहला शो देखते हैं, तो ये जो फर्स्ट कस्टमर होने का होता है ना क्रेज, ये अलग ही होता है अपने में, है ना। तो कई लोग कहते हैं एप्पल का स्टोर खुलता है तो पहला कस्टमर मैं था, रात को खड़ा हो गया था लाइन में, सुबह खुला तो सबसे पहले मैंने उसे जो है परचेज किया, अपने हाथ में लिया। तो ये जो एक क्रेज है ये आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में कामयाब बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन, दे हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन R&D एंड द कस्टमर वैल्यू दैट दे वॉन्ट अमंग द फर्स्ट वन टू ट्राई द न्यू ऑफरिंग फ्रॉम द कंपनी। तो एप्पल आईफोन एक ऐसा तरीका है जो प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है, इनोवेटिव बनाता है, जिसके कारण लोग इस प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रोडक्ट के तौर पे या पहले व्यक्ति के तौर पे उपयोग लेना चाहते हैं और इसलिए वो इसे खरीदा करते हैं। दूसरा है प्राइसिंग फैक्टर। प्राइसिंग का मतलब इट फ्लक्चुएट बेस्ड अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड एंड मे ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय द कस्टमर आइडियल वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट। मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई क्या है, लोग कितना चाहते हैं, इन सब चीजों पे ये निर्भर करता है। कंपनीज दैट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस कैन आइदर डिटरमाइन टू ऑफर द लोएस्ट प्राइस और कैन अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश सुपीरियरिटी थ्रू द हायर प्राइसेस। तो कंपनियां जो डिफरेंशिएट कर लेती हैं वो हायर प्राइस चार्ज कर लेती हैं इन कंपेरिजन टू उन लोगों के जो लोअर प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे एप्पल का आईफोन जो होता है वो डोमिनेट करता है स्मार्टफोन को सेगमेंट में, चार्जिंग हायर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट। तो एप्पल का जो आईफोन है वो आपका क्या करेगा, हायर प्राइस को चार्ज करेगा दूसरों के मुकाबले, क्योंकि प्रीमियम है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया है हमने, डिजाइन ऐसी बनाए हैं, फीचर ऐसे दिए हैं कि हम उसका प्रीमियम भी चार्ज करें तो लोग देने के लिए तैयार रहा करते हैं। बात आई क्या सबको समझ में? आइए अब तीसरी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन इज येट अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ ब्रांड और यूजिंग द स्पेसिफिक एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस कैन बी इंस्ट्रूमेंटल टू द कंपनी सक्सेस। लोकेशन एडवांटेज, नेम रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी ऑल प्रोवाइड एडिशनल वे ऑफ कंपनी डिफरेंशिएशन फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। तो आप कंपनी के तौर पर अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करो तो क्या हो जाता है, इससे आप मार्केट में दूसरों से बेटर जाने जाते हो। अब आपके पास लोकेशन की एडवांटेज हो सकती है,
आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ स्थित है वहां पे सब चीजें नजदीक है, कस्टमर भी आपको नजदीक मिल जाता है, रॉ मटेरियल भी नजदीक मिल जाता है, एंड सो ऑन। इसके अलावा नेम लोग पहचानते हैं आपका, कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ, लॉयल आपके पास में, ये कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से यूनिकली पहचानने में मदद करती हैं। तो हमने तीन तरीके देखे, जैसे एप्पल जो है उसने बिल्ड किया कस्टमर लॉयल्टी को, एप्पल के जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपन एप्पल फैन बॉय और फैन गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमने देखा तीन अलग अलग तरीके, देर आर थ्री डिफरेंट बेसिस बाय विच वी कैन हैव डिफरेंशिएशन। आइदर वी डू इट इन द प्रोडक्ट जैसे एप्पल का आईफोन, वी डू इट इन द प्राइसिंग जैसे एप्पल ने किया है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोकेशनल एडवांटेज के तौर पे या नेम रिकॉग्निशन के तौर पे, लॉयल्टी के तौर पे या एडिशनल बेनिफिट के तौर पे आप अपने में विकसित कर सकते हैं। तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन के तीन तरीके हैं, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओ, प्राइसिंग में डिफरेंशिएशन लाओ, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में डिफरेंशिएशन लाओ। बात आई कि सबको समझ में? तो हमने तीन तरीके देखे डिफरेंशिएशन के, प्रोडक्ट, प्राइस एंड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। जितने कीवर्ड आपको बताए जा रहे हैं वो अलग से लिख लो, फिर उनके मदद से आप सेंटेंसेस बना के अपने नोट्स बना लेना, ठीक है? और नोट्स को आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे चेक भी करवा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कैसे प्राप्त किया जाए इसको, हाउ टू अचीव इट, हाउ टू अचीव द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। टू अचीव द डिफरेंशिएशन फॉलोइंग थिंग्स कैन बी अडॉप्टेड। पहला, ऑफर द यूटिलिटी टू द कस्टमर एंड मैच द प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मतलब कस्टमर क्या चाहता है उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस को जानो, कस्टमर की डिमांड को जानो। सिंपल बात क्या है, कस्टमर की डिमांड को जानो। जिसने कस्टमर की डिमांड समझ ली वो डिफरेंशिएशन तुरंत अचीव कर लेगा। नंबर टू, एलिवेट और इंप्रूव द परफॉर्मेंस। दूसरा होता है परफॉर्मेंस को पहले से बढ़िया करो, दूसरे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो लोग आपका खरीदना चाहेंगे। ऑफर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर बायर सेटिस्फेक्शन। जितना वो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा उसको वैल्यू दो, जितना वो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा उसको वैल्यू दो। एंड नेक्स्ट, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप द डायनेमिक एनवायरमेंट। आप रैपिड इनोवेशन करो, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन करो, नई नई चीजें लेके आओ। टेकिंग द स्टेप फॉर एनहेंसिंग द ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। अपनी इमेज को बेहतर साबित करने के लिए, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, ललायित हो जाए और आपका प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करें। फिक्सिंग द प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स। इसके अलावा आप क्या करो, यूनिक फीचर्स के कारण अपने प्रोडक्ट में अपने प्राइसेस को कुछ यूनिक बनाए रखने की कोशिश करें, है ना, फिक्सिंग कर रहे हैं उसकी, और चार्ज भले प्रीमियम कर लें। तो हम देख रहे हैं कई तरीके से हम डिफरेंशिएशन अचीव कर सकते हैं। पहला, कस्टमर के डिमांड को पहले से ही समझ लेना, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जान लेना ताकि वैसा बनाया जा सके, सक्सेस की गारंटी है। नंबर टू, अपनी परफॉर्मेंस को एलिवेट करना, इंप्रूव करना, दूसरों से बेटर बनाना। तीसरा, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट देना जिससे कस्टमर को खरीदने से सेटिस्फेक्शन हो। चौथा, प्रोडक्ट में रैपिड इनोवेशन लाना। पांचवा, प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू को एनहांस करते चले जाना, लोगों को लगना चाहिए कि वो इससे जुड़ के अपने आप को खुश नसीब मान रहे हैं। और नंबर छह, फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर। आप अपने यूनिक फीचर के आधार पर इसमें प्राइस को बढ़ाते चले जाए, बेटर करते चले जाए, फिक्स करते चले जाए। तो छह तरीके हमने बताए हाउ टू अचीव द डिफरेंशिएशन। पहला, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को जानना। दूसरा, परफॉर्मेंस को एलिवेट करना। तीसरा, सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द बायर करना। और नेक्स्ट, रैपिड इनोवेशन करना प्रोडक्ट में। नेक्स्ट, ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू को एनहांस करना। और लास्ट, फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। कमी बोलता नती।
इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, फायदा क्या मिलता है अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को परसू करें तो। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ परसूइंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी आपको यूनिक बनाती है, जिस कारण मार्केट में आप बने रहते हैं, प्रॉफिटेबल बने रहते हैं। और माइकल पॉटर की जो 5 फोर्सेज है, राइवलरी है, बायर है, सप्लायर है, आपके एंट्रेंट हैं, इनसे भी आपको इम्यून करता है, जैसे हमने कॉस्ट लीडर को देखा था। ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन राइवलरी, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर सब्सटीट्यूट एंड बायर्स पावर, तो इनसे हमको इम्यून रखता है, प्रॉफिटेबल बनाए रखता है। कैसे? आइए पहले बात करते हैं राइवल। अराइवल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप में जो यूनिक डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो आपके अलावा कोई दे नहीं पा रहा है, आपका राइवल भी नहीं दे पा रहा है। तो आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो ब्रांड लॉयल्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके राइवल के पास कभी नहीं जाते। ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन। तो राइवलरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी हमसे जुड़ी होने के कारण कस्टमर हमको छोड़ के नहीं जाता है। इट मीन्स दैट कस्टमर विल हैव लेस सेंसिटिविटी टू प्राइस इंक्रीजेस, क्योंकि फर्म का कस्टमर सेटिस्फाइड है उससे, उसके फीचर्स के कारण। तो राइवल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि लोग हमसे ब्रांड लॉयल्टी से जुड़े हुए हैं। नंबर टू, बायर। खरीदार कहीं और जाता नहीं है, क्योंकि जो उसको फीचर चाहिए वो हम ही देते हैं, हमारे अलावा कहीं और कोई देता नहीं है, तो हमको छोड़ के जाएगा कहाँ? दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर प्राइस एज दे गेट स्पेशल फीचर। तो वो नेगोशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट फीचर मिल रहा है वो हम दे रहे हैं, हमारे अलावा कोई और दे नहीं रहा है। सप्लायर कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, बिकॉज डिफरेंशिएटर चार्ज ए प्रीमियम प्राइस, जिससे अगर सप्लायर अपने कॉस्ट ऑफ सप्लाईज में बढ़ोतरी भी कर ले तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। चूंकि हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं, एडिशनल प्राइस चार्ज करते हैं, तो अगर सप्लायर कहीं कॉस्ट ऑफ सप्लाईज में बढ़ोतरी भी करता है तो हमारी जो एडिशनल कॉस्ट चार्ज की हुई है उसमें कंपनसेट हो जाती है। तो सप्लायर की बढ़े हुए पैसों से, सप्लायर की कॉस्ट ऑफ सप्लाई बढ़ने से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है एंट्रेंट, नए आने वाले लोग। इनोवेटिव फीचर्स आर द एक्सपेंसिव ऑफर, ठीक है? सो न्यू एंट्रेंट्स आर जनरली अवॉइड दीज फीचर, तो उनके लिए एंट्री बैरियर होगा। सो इट इज टफ फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद स्पेशल फीचर, तो उनके लिए टफ हो गया, उनके लिए एंट्री बैरियर हो गया, इसलिए नए लोग ऐसे फीचर के साथ नहीं आते, तो फिर वो कंपीट भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कैन नॉट रिप्लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच हैव हाई ब्रांड वैल्यू एंड एंजॉय कस्टमर लॉयल्टी। तो हमारे जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो कभी भी हमें रिप्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि पहली बात तो हम प्रोडक्ट यूनिक दे रहे हैं, दूसरी बात ब्रांड लॉयल्टी से जुड़े हुए हैं, तीसरी बात कस्टमर हमसे लॉयल्टी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाता है। तो हमारी एडवांटेज ये है डिफरेंशिएशन में कि हम अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बना चुके हैं कि लोग हमें छोड़ के जाना पसंद नहीं करते। उसमें ब्रांड लॉयल्टी भी एक फैक्टर हो सकता है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फीचर भी एक गुण हो सकता है, प्रीमियम प्राइस जो हम चार्ज कर रहे हैं वो भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो चाहे राइवल हो, बायर हो, सप्लायर हो, एंट्रेंट हो, सब्स्टिट्यूट हो, इन सब से हम इम्यून हैं, इन सब से हम इम्यून हैं। बात आई क्या सबको समझ में? तो समझ लें एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। हमने आपको सभी में की पॉइंट्स बता दिए हैं, इन कीवर्ड्स को याद रख के आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे पहले में ब्रांड लॉयल्टी हो गया, दूसरे में डू नॉट नेगोशिएट हो गया, तीसरे में एब्जॉर्ब, हायर कॉस्ट ऑफ सप्लाई हो गया, चौथे में टफ हो गया, एंट्री बैरियर हो गया, और पांचवे में हो गया कैन नॉट रिप्लेस हाई ब्रांड वैल्यू एंड एंजॉय कस्टमर लॉयल्टी। तो सभी के कीवर्ड्स हमको पता है, अगर कीवर्ड हमको पता है तो फिर इसको स्कोर करना आसान है, आप आसानी से लिख पाएंगे। बात आ रही है सबको समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
चलिए सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, अब आगे बढ़ते हैं अपन। डिसएडवांटेज क्या है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का? पहला डिसएडवांटेज है, इन द लॉन्ग टर्म यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। मतलब आपके कॉम्पिटिटर भी यूनिकनेस अपना लेते हैं, तो सस्टेन नहीं कर पाते आप लंबे समय तक यूनिकनेस को, क्योंकि दूसरे आपकी यूनिकनेस को अपना कर आप जैसे बन जाते हैं। नंबर टू, चार्जिंग टू हाई ए प्राइस फॉर ए डिफरेंशिएटेड फीचर मे कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर ऑल्टरनेटिव। अगर आप लगातार हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो हम दूसरे पे स्विच ऑफ कर जाएंगे, हम दूसरे ऑल्टरनेट पे चले जाएंगे। जैसे लगातार आईफोन अगर ऐसे ही चार्ज करता रहा तो लोग क्या करेंगे, आईफोन के सब्स्टिट्यूट को तलाश के उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर तीन, डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ इट्स बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। मतलब आपने कहा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, कस्टमर की नजर में नहीं है, तो वो इसका प्रीमियम आपको देने के लिए तैयार नहीं है। होम डिलीवरी और पैकेज स्नैक्स इन 30 मिनट्स वुड नॉट इवन बी ए डिफरेंशिएटर एज द कंज्यूमर वॉन्ट वैल्यू सच एन ऑफर। वो कहता है मेरे पास टाइम ही टाइम है, 30 की जगह 1 घंटे में आ तू, मैं 1 घंटा पहले ऑर्डर करता हूँ, मेरे पास 1 घंटे बाद में दे जाना, भूख लगेगी जब मेरे को, मैं खाऊंगा, तो 30 मिनट में आना हो सकता है कईयों के लिए वैल्यूड फीचर नहीं हो, तो इसके लिए वो प्रीमियम आपको देंगे जरूरी नहीं है। तो हमने तीन कारण बताए हैं, पहला यूनिकनेस लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल है, लोग आपकी ये चीज को नकल कर लेते हैं। नंबर टू, हाई प्राइस लगातार चार्ज करना लोगों को मजबूर करता है कि वो आपसे छिटक के दूर चले जाएं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्टों की तलाश करें। और तीसरा, डिफरेंशिएशन तब फेल हो जाएगा काम करना जब बेसिस हमारा जो है वो कस्टमर की वैल्यू में, नजरों में वैल्यू नहीं करता हो। जैसे 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर करना अगले के लिए वैल्यू नहीं करता, तो आपका एडिशनल चार्ज नहीं देगा। बात आई सबको समझ में? तो हमने दो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली है माइकल पॉर्टर की जनरिक स्ट्रैटेजी में। पहला कॉस्ट लीडरशिप, ब्रॉड मार्केट के लिए सबसे सस्ता बेचना, और दूसरा उसी सस्ते के सामने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाते हुए प्रोडक्ट को हाई प्रीमियम पे बेचना। पहला था कॉस्ट लीडर, दूसरा डिफरेंशिएशन। अब हम आ गए हैं तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ जिसका नाम है फोकस, स्मॉल मार्केट सेगमेंट के लिए, लेकिन यह भी इतना इनफ होता है कि इससे प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अब अपन फोकस को, तीसरी स्ट्रैटेजी को। तो आइए बात करते हैं फोकस की, स्मॉल मार्केट सेगमेंट की स्कीम की। फोकस स्ट्रैटेजी, ए सक्सेसफुल फोकस स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री सेगमेंट दैट इज ऑफ सफिशियंट साइज। छोटा है लेकिन सफिशिएंट हैज गुड ग्रोथ पोटेंशियल, जिसमें बढ़ने की संभावना अच्छी है, एंड इट इज नॉट क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ अदर मेजर कॉम्पिटिटर। बड़े प्लेयर इसमें आना नहीं चाहते, उनके लिए आना इसमें जरूरी नहीं है तब ये सक्सीड करेगा। अगर बड़े प्लेयर भी इसमें नाक अपनी आंख डाल देंगे, अपनी टांग डाल देंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो फोकस स्ट्रैटेजी के लिए मार्केट सफिशियंट साइज का होना चाहिए, होता छोटा ही है, बड़े मार्केट जितना बड़ा बड़ा नहीं होता, ये सफिशियंट साइज का होता है,
बढ़ने की ग्रोथ पोटेंशियलिटी बहुत होती है इसके अंदर, और तीसरा बड़े प्लेयर इसकी तरफ नहीं आते हैं तभी ये फोकस स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, वरना ये सक्सेसफुल नहीं है। स्ट्रेटेजी सच एज मार्केट पेनिट्रेशन, जिसमें हम मार्केट में गहरे उतर के ज्यादा शेयर प्राप्त करते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर बनाते हैं, या मार्केट डेवलपमेंट है, न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू कस्टमर होता है, ऑफर सब्सटेंशियल फोकसिंग एडवांटेज। तो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ऐसे कुछ तरीके हैं जो फोकस स्ट्रेटेजी द्वारा अपनाए जाते हैं। मिड साइज की और लार्ज फर्म्स कैन इफेक्टिवली परसू द फोकस बेस्ड स्ट्रेटेजी ओनली इन कंजेक्शन विद डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप बेस्ड स्ट्रेटेजी। दुनिया में फोकस स्ट्रेटेजी अगर आप लागू करना चाहोगे तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तरीका है इस छोटे मार्केट सेगमेंट में जो आपने मार्केट पकड़ा है, फोकस वाला कंसंट्रेटेड मार्केट, इस मार्केट में आप कॉस्ट लीडर बने, इस मार्केट में, ओवरऑल नहीं, इस मार्केट में, या फिर इस मार्केट में जो फोकस आपने पकड़ा है उसमें आप डिफरेंशिएशन करें। तो फोकस दो तरीके से है, फोकस कॉस्ट लीडरशिप या फोकस डिफरेंशिएशन। अकेला फोकस नहीं आता है, फोकस दो तरीके से लागू होता है। वो जो सफिशियंट मार्केट आपने पकड़ा है, छोटा मार्केट आपने पकड़ा है, उसी मार्केट में ओवरऑल मार्केट की बात नहीं हो रही है, उसी मार्केट में आप सबसे सस्ते बने। ओवरऑल में जो सबसे सस्ता बनेगा वो कॉस्ट लीडर है, लेकिन इस छोटे मार्केट में सफिशियंट साइज में अगर आप सबसे सस्ते हैं तो आप फोकस कॉस्ट लीडर है। ओवरऑल मार्केट में आपका यूनिक फीचर है तो आप डिफरेंशिएटेड है, लेकिन इस छोटे मार्केट में आपका प्रोडक्ट यूनिक है, छोटे मार्केट में आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आप फोकस डिफरेंशिएशन है। बात आ रही समझ में? तो यहां पे छोटे और बड़े मार्केट की बात हो रही है। अगर ओवरऑल मार्केट में आप सबसे सस्ते हैं तो आप कॉस्ट लीडर है, ओवरऑल मार्केट में आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आप डिफरेंशिएशन है, लेकिन इस छोटे सफिशियंट साइज के मार्केट में आप सबसे सस्ते हैं तो आप फोकस कॉस्ट लीडर है। इस छोटे सफिशियंट मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो आप फोकस डिफरेंशिएशन है। बात आ रही है समझ में? क्लियर है कि नहीं है बताओ जी, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो फोकस स्ट्रेटेजी सबको समझ में आ रही है, सफिशियंट साइज का मार्केट होना चाहिए, गुड ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, और ये क्रूशियल नहीं होना चाहिए अदर मेजर कॉम्पिटिटर के लिए। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, सब्सटेंशियल फोकसिंग एडवांटेज के साथ बढ़ाए जा सकते हैं। साइज, मिड साइज हो, लार्ज फॉर्म्स हो, अगर वो फोकस स्ट्रेटेजी परसू करेंगी तो दो ही तरीके हैं उसके, फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन। ऑल फॉर्म्स इन द एसेंस फॉलो ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी बिकॉज ओनली वन फॉर्म कैन डिफरेंशिएट इटसेल्फ विद द लोएस्ट कॉस्ट। The remaining firms in the industry must find other ways to differentiate their product. तो बेसिकली मार्केट में टिके रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस को लानी ही पड़ेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर कंपनी डिफरेंशिएटेड बेसिस पे ही दूसरों से अलग होके जी रही है या चल रही है मार्केट में। फोकस स्ट्रेटेजी आर मोस्ट इफेक्टिव, फोकस स्ट्रेटेजी सबसे इफेक्टिव कब होती है? When consumers have distinctive preferences, जब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कुछ अलग है, और रिक्वायरमेंट्स, एंड व्हेन द राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज द सेम टारगेट सेगमेंट, और आपकी राइवल फर्म्स उसको करना नहीं चाहती हैं। तो ये मोस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इतनी अलग हैं कि उसको आपके अलावा, आपकी कंपनी के अलावा आपकी राइवल फर्म्स बनाने की इच्छुक नहीं है, वो कहते हैं इस फील्ड में नहीं जाना हमारे को, और आप हैं तो लगातार उन लोगों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, तो आपके राइवल आना नहीं चाहते और आप उसकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, तो आप हो जाएंगे फोकस डिफरेंशिएशन वाले या फोकस कॉस्ट लीडर वाले। रिस्क ऑफ परसुइंग द फोकस स्ट्रेटजी इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूमरस कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइजिंग द सक्सेसफुल फोकस स्ट्रेटजी एंड इमिटेटिंग इट, और द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में ड्रिफ्ट टुवर्ड द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिजायर्ड बाय द मार्केट एज ए होल। तो दो वजह से रिस्क आती है हमारे को। पहली रिस्क यह है कि लोग इमिटेट करके अपना लें आपका ये गुण, तो वो भी आप जैसे हो गए, और दूसरा कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो ड्रिफ्ट हो गई, मतलब जो पहले थी अब नहीं है, वो अब नहीं है। तो अब नहीं होने के कारण क्या है, जो आप फोकस स्ट्रेटजी अपनाए हुए थे वो अब काम नहीं कर पा रही है, वो काम नहीं कर पा रही है। एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग ए फोकस स्ट्रेटजी में कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर,
ज्योग्राफिकल मार्केट और ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट इन ऑर्डर टू सर्व वेल डिफाइंड बट नैरो मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर हु सर्व ए ब्रॉडर मार्केट. फॉर एग्जाम्पल फरारी स्पोर्ट्स कार. अब ये फरारी की जो स्पोर्ट्स कार है ये सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आएंगी हमारे. तो फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के तौर पे लोग इनको खरीदना पसंद करेंगे. इसको कोई भी फोकस कॉस्ट लीडरशिप के तौर पे नहीं देखता है, इसको हम देखते हैं फोकस डिफरेंशिएशन. फरारी कार्स जो स्पोर्ट्स कार है वो यूनिक फीचर है, जो यूनिक तरीके के स्टाइल के लोग इसको लेते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल लेने वाले लोग लेते हैं तो वो इसे खरीदेंगे. आइए अब बात करते हैं फोकस कॉस्ट लीडरशिप की. फोकस कॉस्ट लीडरशिप, ए फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी रिक्वायर कंपीटिंग बेस्ड ऑन द प्राइस टू द टारगेट इन नैरो मार्केट. तो फोकस कॉस्ट जो होता है वो कंपीट किस पे करता है, प्राइस पे करता है और नैरो मार्केट को टारगेट करता है. जो मार्केट फोकस का उसको दिया गया है उसी मार्केट में वो सबसे सस्ता होने की कोशिश करता है. ए फर्म दैट फॉलो दिस स्ट्रेटेजी डज नॉट नेसेसरी चार्ज द लोएस्ट प्राइस इन द इंडस्ट्री, इंस्टीड इट चार्जेस द लो प्राइसेस रिलेटेड टू अदर फर्म दैट कम्पीट विद इन द टारगेट मार्केट. तो ये सबसे सस्ता नहीं होता ओवरऑल इंडस्ट्री में. अगर ये ओवरऑल इंडस्ट्री में सबसे सस्ता होता तो फिर ये फोकस में नहीं रहता, ये सीधा कॉस्ट लीडर में चला जाता. लेकिन ये अपने इस सेगमेंट में दूसरे के मुकाबले, दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ता है, इसलिए उस सेगमेंट में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोकस कॉस्ट लीडर. ठीक है, बात आ रही है सबको समझ में, है ना. एक गली मोहल्ले का नेता होता है और एक देश का नेता होता है और एक दुनिया का ग्लोबल लीडर होता है, बात समझ रहे हैं. तो नेता तो सब है लेकिन एक गली मोहल्ले का है, फोकस वाला, उसकी बस दौड़ वहीं तक है. एक देश का है, उसके देश वहीं तक है. एक ग्लोबल लीडर है ना, जो दुनिया के पंचायती करता है, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कराने में मदद करता है. तो जो सब पूरे मार्केट को ध्यान में रख रहा है वो कॉस्ट लीडर हो जाएगा, लेकिन जो इस सेगमेंट में सबसे सस्ता है वो फोकस कॉस्ट लीडर होगा. बात आ रही कि नहीं आ रही सबको समझ में. चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. 1996 की बात होगी, मैं पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए गया था. पहली बार गया था तो नेचुरली यहां से जब अपन जाते हैं ना बहुत सारी चीजें लोग अपने कह देते हैं ये देखना वो देखना वो देखना. तो मुझे कहा गया था लास वेगास देख के आना, जो कि कैसीनो का शहर है वहां का, है ना. तो लास वेगास एक कैसीनो का शहर है, मुझे कहा था. बाय रोड मैं भी निकला देखने के लिए. वहां पे मैंने क्या देखा, रोड साइड पे जो है वो मैकडोनल्ड्स के और बहुत सारे दूसरे के आउटलेट्स बने हुए थे, है ना, टेक अवेज वाले. मतलब आप गाड़ी रोको, बनवाओ, खरीदो और चलो, रुकने की व्यवस्था नहीं है उनके पास में. और वो टेक अवेज में जो चीज दे रहे थे वो मार्केट में जो दूसरे बैठ के खाने वाली जगह से उससे सस्ते दे रहे थे. मतलब सेम प्राइस में थोड़ा सा ज्यादा बर्गर या पिज्जा या दूसरी चीज आपको ऑफर की जा रही थी, स्नैक्स आइटम. पर्पस क्या था उनका, कि जो ये आने जाने वाले लोग हैं उनको इस प्राइस पे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए हमारे को. तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप हो गई कि इस सेगमेंट में, मतलब जो टेक अवेज वाले हैं, जो रोड साइड चल के आ रहे हैं, आ रहे और जा रहे हैं, उस सेगमेंट एरिया में. हर एक नहीं, यूं तो आप शहर में, शहर के अंदर चले जाओगे तो वहां भी रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड के, वहां ये प्राइस नहीं मिलेगा आपको, वहां इतनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी आपको. लेकिन जो ट्रैवल करके आ रहा है, रोड साइड से आ रहा है, टेक अवेज पे खड़ा है, वहां रुकता नहीं है, लेके चला जाया करता है, इससे उस मैकडोनल्ड को बहुत ज्यादा बड़े एरिया की जरूरत नहीं है कि बैठ के लोगों को खिलावे. वो केवल पैक करता है और आपको देके रवाना हो जाता है, तो उसका समय और पैसा दोनों बचत होती है. तो ऐसे में वो क्या कर रहा है, बड़े पिज्जा बर्गर को भी कम प्राइस चार्ज कर रहा था. तो उस सेगमेंट में जो टेक अवेज वाले हैं, जो मूवमेंट वाले ग्राहक हैं, उस सेगमेंट एरिया में वो सबसे सस्ता है. तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, फोकस कॉस्ट लीडरशिप का. ये बत्रा सर ने खुद देखा बेटा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो. मैक डी ऑफर चीप, चीप मतलब सस्ता, बर्गर्स एंड अदर आइटम्स फॉर टेक अवेज, है ना. तो ये यूएस में वो ऑफर करते हैं और मैंने ऐसे देखा, और अब तो मेरे ख्याल से ऐसी कई चीजें हर जगह उपलब्ध भी होने लग गई हैं. तो ये उसे कॉस्ट लीडर बनाता है टेक अवेज की श्रेणी में.
टेक अवेज की श्रेणी में वो सबसे सस्ता माल ऑफर कर रहा है लोगों को, और लोग रुक के उसे लेना भी पसंद करते हैं। फर्म्स दैट कंपीट बेस्ड ऑन द प्राइस एंड टारगेट ए नैरो मार्केट फॉलो ए फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए नैरो मार्केट सेगमेंट होना चाहिए और आप उस सेगमेंट में सबसे सस्ते होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैकडी ऑफर चीप बर्गर एंड अदर आइटम्स फॉर टेक अवेज, ठीक है, टेक अवेज में ऐसा करता है वो। तो ऐसा कोई इंडियन भी कर सकता है अपने रेस्टोरेंट में, कि रोड साइड जब आप जा रहे हो, है ना, सपोज करो आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे हो, तो रोड साइड को ढाबा आता है, ढाबे पे बैठने की सुविधा नहीं है, पैक कराओ और आप लेके चलो। रेडीमेड थाली दे सकता है वो, आपको कुछ दे सकता है और आपसे वो पैसे कम चार्ज कर सकता है। तो ऐसे टेक अवेज में क्या हो, टेक अवेज का मार्केट नैरो है और ऐसे टेक अवेज में वो आपको दे रहा है सबसे सस्ता। तो ओवरऑल सस्ते में सस्ता नहीं है वो केवल टेक अवेज में सस्ता है, इसलिए हम उसको कहेंगे फोकस कॉस्ट लीडरशिप। बात आ रही समझ में? तो सेगमेंट हमारा कौन सा है हमें ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, आ जाओ। अब बात करते हैं फोकस डिफरेंशिएशन की। फोकस में अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना इस नैरो मार्केट सेगमेंट में, फोकस डिफरेंशिएशन। ए फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी रिक्वायर ऑफरिंग यूनिकनेस ऑफ फीचर्स दैट फुलफिल द डिमांड ऑफ अ नैरो मार्केट। तो इसकी बात, खास बात क्या है, ये ऑफर कर रहा है यूनिकनेस ऑफ फीचर, लेकिन किसके लिए? डिमांड ऑफ नैरो मार्केट, लार्ज मार्केट नहीं है। लार्ज मार्केट में जो पूरा करेगा वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा, लेकिन नैरो मार्केट में यूनिकनेस जो ऑफर करता है वो क्या कहलाएगा? फोकस डिफरेंशिएशन कहलाएगा। सिमिलर टू फोकस लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, नैरो मार्केट्स आर डिफाइंड इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट सेटिंग्स। सम फर्म यूजिंग ए फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कंसंट्रेट देयर एफर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सेल्स चैनल, जैसे केवल इंटरनेट पे बेचेंगे, सच एज सेलिंग ओवर द इंटरनेट ओनली। तो आपको मालूम होगा बोट बॉट के जो, हाँ, हेडफोन्स हैं वो बिका करते हैं केवल इंटरनेट पे, फ्लिपकार्ट अमेजन पे बिकते हैं। तो ये फोकस डिफरेंशिएशन हो गया ना, माल तो मैं केवल और केवल बेचूंगा तो ऑनलाइन ही बेचूंगा, बाकी और कहीं नहीं बेचूंगा मैं। तो बोट के जो हमारे हेडफोन्स हैं वो ऐसे बिकते हैं। अदर टारगेट पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुप्स, है ना, कि मैं नॉर्दर्न इंडिया में बेचूंगा, सदर्न इंडिया में बेचूंगा, ईस्टर्न इंडिया में बेचूंगा, वेस्टर्न इंडिया में बेचूंगा। फर्म्स दैट कम्पीट बेस्ड ऑन यूनिकनेस एंड टारगेट ए नैरो मार्केट आर फॉलोइंग ए फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, रोल्स रॉयस सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड कस्टम बिल्ट कार्स। अभी बहुत महंगी होती है और केवल कुछ समय के लिए आती हैं, जैसे रोल्स रॉयस की एनिवर्सरी आई तो उन्होंने ऑफर कर दिया, है ना, ऐसे वो लेके आते हैं। इसी तरीके से रोलेक्स की घड़ियां आती हैं, रोलेक्स भी अपनी महंगी महंगी घड़ियां लिमिटेड एडिशन में निकाला करता है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके कहलाएंगे? फोकस डिफरेंशिएशन कुछ समय के लिए आया करते हैं। बात आ रही है सबको समझ में? तो हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको डिफरेंशिएशन के। रोल्स रॉयस भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, रोलेक्स की घड़ियां भी एग्जाम्पल हो सकती है, रोलेक्स वॉचेस। अचीव कैसे करें फोकस स्ट्रेटेजी को? टू अचीव द फोकस कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कुड बी अडॉप्टेड। क्या अडॉप्ट करेंगे देखें हम। पहला, सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक नीशेस। नीशेस का मतलब होता है नैरो ग्रुप, नैरो टारगेट ग्रुप, विच आर नॉट कवर्ड बाय द कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएटर्स। बड़े वाले इसको कवर नहीं कर रहे हैं और आप उस मार्केट सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, तो आपको वो छोटे मार्केट पकड़ने पड़ेंगे, नीशेज या कंसंट्रेशन पकड़ने पड़ेंगे। क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल फॉर केटरिंग सच नीश मार्केट, आप उनको बेटर तरीके से सर्व कर सकें ऐसी अपने में सुविधा लानी पड़ेगी। जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी, मतलब इनपुट टू आउटपुट रेशियो बढ़िया बनाना पड़ेगा, वेस्टेज कम करनी पड़ेगी। डेवलपिंग इनोवेटिव वेज, आपको अपने में इनोवेशन लाना पड़ेगा, इनोवेटिव वेज लाने पड़ेंगे ताकि चेन अच्छे से बन पाए। एडवांटेज क्या है फोकस स्ट्रेटेजी की? आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इतने यूनिक तरीके से ला सकते हैं, सो यू कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस। दूसरा, ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सपर्टीज इन द गुड्स एंड सर्विसेज, द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द फोकस स्ट्रेटेजी ऑफर राइवल अ न्यू एंट्रेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट। तो आपके पास जो इतना एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का, वो राइवल्स और न्यू एंट्रेंट को आपके क्षेत्र में आने से रोकता है, आने से क्या करता है? रोकता है। बात आई क्या सबको समझ में? तो एडवांटेज ये मिलती है कि हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग फीचर के कारण, और दूसरा, जो इस क्षेत्र में हमारा एक्सपीरियंस है वो किसी भी नए बंदे को आने से रोकता है, एंट्री बैरियर क्रिएट करता है, उस राइवल को कम्पीट करने से रोकता है। तो ये वही बात है जो हमने पीछे भी पढ़ी थी कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। फर्क केवल इतना है, वो बड़े मार्केट सेगमेंट को आई करते हैं,
इनका मार्केट नैरो होता है, टारगेटेड होता है, नीश होता है, फोकस होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं फोकस की, आइए डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। द फर्म लैकिंग इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसेज मे नॉट बी एबल टू परसू द फोकस। अगर आप में कुछ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस नहीं है, आप में कुछ अलग नहीं है, तो आप इस एरिया में क्यों आए, नहीं आना चाहिए। ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉस्ट आर हाई, क्योंकि आपका मार्केट छोटा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कई बार हाई हो जाती है और फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। इन द लॉन्गर रन द नीश कुड डिसअपीयर टू बी टेकन ओवर बाय द लार्ज कॉम्पिटिटर। लंबे समय में ये नीश जो आपकी है वो बड़े कॉम्पिटिटर ले जा सकते हैं, अगर उनकी नजर इस पर पड़ गई, उनको लगा इससे भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है और वो इसमें एंटर हो गए, तो फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फोकस की। पहला, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस आप में नहीं है तो ना उतरे आप इस क्षेत्र में। नंबर टू, लिमिटेड डिमांड के कारण कॉस्ट हाई हो जाती है। और तीसरा, नीश डिसअपियर हो जाएगी अगर लार्ज कॉम्पिटिटर ने इस पर नजर डाल दी और वो भी ये बनाने लग गया, तो आप टिक नहीं पाएंगे। बात आई क्या सबको समझ में? तो हमने एडवांटेज भी पढ़ी, डिसएडवांटेज भी पढ़ी, कैसे अचीव करते हैं ये भी पढ़ा। तीन तीन चीजें हमने यहां पे पढ़ ली। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे, वरना हमने तीनों स्ट्रैटेजियां डिस्कस कर ली है। अब हमने कॉस्ट लीडरशिप भी डिस्कस की, हमने डिफरेंशिएशन भी डिस्कस की, हमने फोकस भी डिस्कस की। फोकस के दो तरीके, फोकस कॉस्ट लीडरशिप भी डिस्कस किया, फोकस डिफरेंशिएशन भी डिस्कस किया। इस तरीके से माइकल पॉटर की तीन जनरल स्ट्रैटेजी, जो कि प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग और हर तरीके की छोटी बड़ी साइज की ऑर्गेनाइजेशन पर लागू की जा सकती है, उनको देखा। मैं होप करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, चैट बॉक्स खुला पड़ा है, आप अपनी प्रॉब्लम लिख के हमें बता सकते हैं। अच्छा, इन क्लासेस के बाद भी जब आप इन्हें पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9414127751 पर अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे विद इन 24 आवर आपको किसी भी तरीके से उसका जवाब दिया जाए, चाहे ऑडियो से, चाहे वीडियो से, या आपको किसी भी तरीके से आपकी बातों का जवाब दिया जाए, टेक्स्ट लिख के दिया जाए। हमारी तरफ से बेटा 24/7 हेल्पलाइन उपलब्ध है, जो आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। तो क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर के हेड एंड शोल्डर ऑल क्लियर, क्लियर सभी तरीके से क्लियर। आंख है, आंख है, आंख है, बहुत अच्छी बात। चलिए आइए अब हम एक और स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जो इन सब से मिलके बनती है, जिसको हमने नाम दिया है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। ये माइकल पॉटर ने हमें नहीं दी है, लेकिन इन सभी स्ट्रेटेजी, मतलब कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस, तीनों को मिलाया जाए तो इससे जो स्ट्रेटेजी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, वैल्यू फॉर मनी। इसका दूसरा नाम क्या है? वैल्यू फॉर मनी, पैसा वसूल स्ट्रेटेजी है ये। कैसी है ये? पैसा वसूल। सर थोड़ा और ढंग से समझाएं, अभी देखो, अभी समझाते हैं आपको ढंग से। आपके पास में कॉस्ट लीडरशिप होती है, ब्रॉड मास मार्केट के लिए ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप है, लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करती है। आपके पास में ब्रॉड मार्केट में ब्रॉड डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है। आपके पास में नैरो मार्केट में फोकस कॉस्ट लीडरशिप है, आपके पास फोकस डिफरेंशिएशन है। ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर सभी से कुछ ना कुछ इनपुट लेके बनती है। मैं यूं कहूं, मैं अगर यूं कहूं, ये है कॉस्ट लीडर, ये है डिफरेंशिएशन, ये है फोकस, और हमारी ये वाली जो है, ये जो कॉस्ट लीडर, इंटरसेक्शन डिफरेंशिएशन, इंटरसेक्शन फोकस, उसको हम कहते हैं बेस्ट कॉस्ट। बात आई आपको समझ में? ये जो कॉमन इंटरसेक्शन है तीनों का, तीनों की फैसिलिटीज को यूज करके जो बना है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं बेस्ट कॉस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब इसमें कॉस्ट लीडर जैसे गुण भी हैं, सबसे सस्ता, इसमें यूनिकनेस भी है, डिफरेंशिएशन, इसमें छोटे मार्केट सेगमेंट की भी ध्यान रखी गई है, फोकस वाले। अगर तीनों के गुण एक जगह मिला दिए जाएं, दुनिया में सबसे सस्ता, दुनिया में सबसे यूनिक, छोटे बड़े मार्केट सबके डिमांड को पूरा करने वाला, तो ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें सबके गुण समाए हुए हैं, गुणों की जो खान है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, पैसा वसूल स्ट्रेटेजी है ना। कोई मूवी आप देख के आते हैं, उसमें आपको स्टार कास्ट भी अच्छी लगती है, उसमें आपको मूवी भी, मूवी की जो थीम होती है, मतलब जो मूवी का कहना चाहिए फ्लो होता है, वो आपको अच्छा लगता है, उसमें आपको फाइटिंग सीक्वेंस अच्छी लगती है, एक्शन अच्छा लगता है, उसमें आपको सॉन्ग सीक्वेंस अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं, उनका ड्रामेटाइजेशन जो फिल्माया गया होता है वो आपको अच्छा लगता है, डायलॉग डिलीवरी आपको अच्छी लगती है, तो आप कहते हैं इसमें तो सब कुछ बढ़िया है, हर चीज फॉरेन लोकेशन पे घुमाया हुआ है हमारे को, तो आपको लगता है इतने पैसों में और क्या मिलेगा। तो ये तो पैसा वसूल मूवी होगी हमारे लिए कि हमने आज पैसा वसूल मूवी देख ली, जितना पैसा हम दे के आए उससे ज्यादा वर्थ हम लेके आए, तो पैसा जो दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर आपको वर्थ मिले तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? पैसा वसूल मूवी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर वैल्यू मूवी, या हम कहेंगे वैल्यू फॉर मनी मूवी। जैसे बत्रा सर की क्लासेस मार्केट में कंपेयर कर लो बेटा, 2,500 रुपए में अकेले SM की क्लासेस आपको इस सारी फैसिलिटीज के साथ कोई नहीं देता। बत्रा सर का जो एक्सपीरियंस है पिछले 34 सालों का, वो आपको कोई नहीं दे सकता। बत्रा सर के जो लाइव किचन एग्जाम्पल है वो कोई दे नहीं सकता। बत्रा सर का जो पेपर सेटर एग्जामिनर का एक्सपीरियंस है वो कोई दे नहीं सकता। कीवर्ड जो हम आपको बता देते हैं वो कोई और बता नहीं सकता। क्लास पढ़ाते पढ़ाते MCQ क्या आ सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ चार और चीजें बता रहे हैं, मतलब कुल मिला के 5 चीजें आपको इसी प्राइस में मिल रही हैं। हम पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को साथ में रोज रिवाइज करा के ये मेमोराइज करा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, फिर हम खत्म होने के बाद MCQ कराते हैं, फिर हम क्या कराते हैं आपको चार्ट बुक से रिवाइज कराते हैं, फिर हम आपको क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और केस सिनारियो करवाते हैं। तो कुल मिला के 5 चीजें रोज हो रही हैं हर चैप्टर में आपके साथ में। पहले कॉन्सेप्ट पे बात होती है, कॉन्सेप्ट के बाद MCQ पे बात होती है, उसके बाद हम लोग चार्ट बुक समरी पे बात करते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, केस सिनारियों की बात करते हैं, इस तरीके से पूरा काम होता है। और ये सब काम हो जाएंगे तो आपके वर्चुअल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, वर्चुअल टेस्ट में आपके प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारी जाएगी, एग्जाम तक आपको अनलिमिटेड व्यू मिलेंगे, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड iOS सब पे चलता है। तो इतनी सारी फैसिलिटी इस प्राइस में कोई और नहीं दे रहा है आपको। तो बत्रा सर की ये क्लासेस किस कैटेगरी में आ जाएंगी? वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में आ जाएंगी। प्राइस में सबसे सस्ती हैं, फीचर में सबसे यूनिक हैं, छोटे और बड़े हर मार्केट सेगमेंट के नीड को पूरी करती हैं। बात आई कि नहीं आई सबको समझ में? तो बत्रा सर की क्लासेस किस कैटेगरी में आती हैं? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बत्रा सर क्लासेस, ठीक है, सबसे सस्ती हैं, ये कॉस्ट लीडर भी हैं, इस प्राइस पे कोई नहीं देता, इनमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन फीचर्स हैं, और ये छोटे और बड़े मार्केट सेगमेंट तीनों की डिमांड को पूरा करता है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये फोकस्ड, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडर से मिलके बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर कहलाएगा हमने हमारी क्लासेस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो कॉस्ट में जो सबसे कम हो, यूनिकनेस में जो सबसे ज्यादा हो, छोटे मार्केट सेगमेंट की भी डिमांड पूरी करता हो, उसको हम कहेंगे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, जो सभी से मिलके बनाए, जैसा कि आपको चित्र में समझ में आ रहा है ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन है इसमें। तो आइए बात करते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर की, पैसा वसूल, वैल्यू फॉर मनी की। द न्यू मॉडल बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इज फर्दर डेवलप्ड ऑफ द 3 मेन जनरिक स्ट्रेटेजी। ये किन से बना है? फर्दर डेवलपमेंट है इन तीन से। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गिविंग कस्टमर मोर वैल्यू फॉर मनी। क्या देता है हमारे को? मोर वैल्यू फॉर मनी। जितना पैसा हम देते हैं उससे ज्यादा हम आपको क्या कर रहे हैं? रिटर्न में दे रहे हैं। बाय एम्फेसाइजिंग ऑन बोथ लो कॉस्ट एंड अप स्केल डिफरेंसेस। पैसा हम कम करते जा रहे हैं, फीचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा कम होता जा रहा है, फीचर बढ़ते चले जा रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कॉस्ट एंड प्राइसेस लोअर देन दोज ऑफ द अदर सेलर्स या कंपेरेबल प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है? कंपेरेबल प्रोडक्ट के मुकाबले अपने प्राइसेस को कम रखना है, लेकिन फीचर्स को बढ़ाते जाना है। प्राइस को कम करते जाएंगे, फीचर्स को बढ़ाते जाएंगे, प्राइस को कम करते जाएंगे, फीचर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर की तरफ मूव कर रहे हैं।
प्राइस को कम करते जाना, फीचर्स को बढ़ाते जाना, अप स्केल फीचर करना, कॉस्ट को कम करना, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर की तरफ ले जाने की बात है। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। तो आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इतना क्लियर हो चुका है, अब इसे फिनिशअप करने का समय आ चुका है। ठीक है, तो आइए लास्ट कुछ चीजें पढ़ के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पार्ट को आज फिनिश करते हैं, फिर हम लेते हैं इसके कुछ एमसीक्यू, ताकि आज आपके लिए एक तरीके का टेस्ट भी हो जाए, आपने जो पढ़ा है उसमें से कितनी चीजें आपको समझ में आई है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कस्टमर मोर वैल्यू फॉर मनी। बेस्ट कॉस्ट जो प्रोवाइडर है, इसका मकसद होता है कि आपको मोर वैल्यू मिले फॉर मनी बाय एम्फेसाइजिंग ऑन लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंसेस। कि आप कॉस्ट तो कम करते जाओ लेकिन फीचर और क्वालिटी बढ़ाते चले जाओ। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में दोनों चीजें चाहिए हमारे को। पहला, हमारे को कॉस्ट कम करते जाना है, फीचर बढ़ाते जाना है। कॉस्ट कम करते जाना है, फीचर बढ़ाते जाना है। कॉस्ट कम करते जाना है, फीचर बढ़ाते जाना है। तो इसको कहेंगे मोर वैल्यू फॉर मनी, मतलब जितना पैसा दे रहे हो उससे ज्यादा तो हमने आपको इन रिटर्न उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब ये कैसे हो सकता है? इट इज डन थ्रू टू थिंग्स, दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस देन वॉट इज बींग ऑफर्ड बाय द राइवल। आप प्राइस उनसे कम लो अपने राइवल के मुकाबले, फॉर द प्रोडक्ट विद कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर। फीचर दोनों बराबर दे रहे हैं, फीचर दोनों बराबर दे रहे हैं, लेकिन एक प्राइस को कम रखे हुए, प्राइस को मैंने कम कर दिया, तो फीचर दोनों के बराबर है, प्राइस मेरी कम है तो नेचुरली मुझे पसंद किया जाएगा क्योंकि पैसा मैं कम ले रहा हूं, फीचर दोनों के बराबर है। तो एक तरीका बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर का ये है कि अपने कॉम्पिटिटर से जो कंपेरेबल फीचर दे रहा है प्राइस थोड़ा कम कर, प्राइस कम करके हम बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर बन जाएंगे सेम कंपेरेबल फीचर देते हुए। दूसरा, और दूसरा तरीका क्या है? चार्जिंग सिमिलर प्राइस एज बाय द राइवल फॉर द प्रोडक्ट विद मच हायर क्वालिटी एंड बेटर सर्विस। दूसरा तरीका है, दोनों सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं लेकिन एक ने अपने फीचर बढ़ा लिए, प्राइस दोनों का सेम है लेकिन एक ने कहा मैं ज्यादा फीचर दूंगा इसी प्राइस में, तो इस वजह से इसको चुना जाएगा क्योंकि इसके पास सेम प्राइस में ज्यादा फीचर है, तो इसको चुनेंगे अपन क्योंकि इसके पास फीचर ज्यादा है। तो दो तरीके, या तो सेम कंपेरेबल फीचर के होने के साथ साथ प्राइस कम कर दो तो आप बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर हो गए, या दोनों का प्राइस सेम है और आप अपने फीचर बढ़ा लो, आप अपने फीचर बढ़ा लो तो आपको चुना जाएगा। ये दो तरीके हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन्स ऑफ वन प्लस, शाओमी, ओप्पो, वीवो आर ऑल रूटिंग फॉर गिविंग बेटर क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइस टू द कस्टमर। दे आर फॉलोइंग द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी टू पेनिट्रेट द मार्केट। तो वन प्लस, शाओमी, आप याद रखना, वन प्लस शाओमी क्या है एग्जाम्पल है इसके। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी पे आपको बेस्ट फीचर दे रहे हैं, प्राइस भी आपसे कम ले रहे हैं, और ये एग्जाम्पल है किसके? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के। बात आई क्या सबको समझ में? अब आओ इसी श्रेणी में हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको जो है समझाते हैं कैसे अलग अलग चीजों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कैसी जनरिक स्ट्रैटेजी को अलग अलग माना जाए। तो आइए देखें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल।
एक्टिविटी फॉर माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रेटेजी, आओ यूज द ब्लैंक स्पेस अगेंस्ट ईच बिजनेस आइडिया टू आइडेंटिफाई विद जेनरिक स्ट्रेटेजी। आपके पास जो आईसीए का मॉड्यूल है, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये भरा हुआ नहीं है, ये आपको नोट्स में हमने भर के दिया है। तो ये वाला हिस्सा हमने भर के दिया है आईसीए के मॉड्यूल में, ये ब्लैंक है जिसको देख के आपको भरना था। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसको याद रख के आप ऐसे या किसी और तरीके के एग्जाम्पल को आसानी से कर पाएंगे। पहला, बिल्डिंग द बेस्ट इन क्लास हेडफोन्स विद द नॉइस कैंसलेशन एंड प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम वर्ड यूज हो रहा है तो प्रीमियम वर्ड किसके साथ यूज होता है? डिफरेंशिएशन के साथ। प्रीमियम वर्ड यूज होगा ना, प्रीमियम, प्रीमियम मतलब डिफरेंशिएशन। प्रीमियम वर्ड इज अकॉइंड विद डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब प्रीमियम वर्ड आ जाए आप आंख बंद करके डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। सेकेंड, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फीचर इन द फोन विच इज विद इन द स्पेंडेबल लिमिट्स ऑफ द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। मैक्सिमम फीचर्स विद इन द स्पेंडेबल लिमिट्स, मतलब हम फीचर इतने सारे दे रहे हैं और कॉस्ट उसकी कम रख रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? बेस्ट कॉस्ट का हो गया। मैक्सिमम फीचर हम आपको दे रहे हैं, प्राइस हम कम रख रहे हैं मिडिल क्लास के हिसाब से। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया हमारा बेस्ट कॉस्ट का। नंबर तीन, बींग इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस द कंट्री एंड दस यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसमें यूज होता है? लो कॉस्ट में। लो कॉस्ट में तो वर्ड यूज होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना ज्यादा माल प्रोड्यूस करेंगे पर यूनिट कॉस्ट उतनी कम होती चली जाएगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल लो कॉस्ट में, मैक्सिमम वैल्यू फीचर बेस्ट कॉस्ट में, प्रीमियम क्वालिटी डिफरेंशिएशन। नंबर चार, टारगेटिंग द बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिविजुअल्स। बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवार जिनको कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये फोकस हो गया, छोटा मार्केट हो गया, टारगेट मार्केट हो गया, छोटा मार्केट हो गया, टारगेट कर रहे हैं छोटे मार्केट को हम लोग। तो ये हो गया हमारा फोकस। क्या हो गया ये हमारा? ये हो गया हमारा फोकस। बात आई क्या कुछ समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अच्छे से समझ लें किस वर्ड के साथ कौन सी स्ट्रेटेजी को कॉइन किया गया है। अगर आप प्रीमियम की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन होगा, मैक्सिमम वैल्यू फीचर की बात करते हैं तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करते हैं तो लो कॉस्ट आएगा, और जब आप टारगेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को तो वो फोकस ही होगा। वैसे भी बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है? एक अपने आप में फोकस वर्ग है, कंसंट्रेटेड वर्ग है, टारगेटेड वर्ग है। तो इस तरीके से आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम चैप्टर तीन को भी कॉन्सेप्ट के लेवल पे पूरा पढ़ चुके। तो मैं होप करता हूं आपने इस पूरी चीज को अच्छे से समझा होगा। क्या क्या पढ़ लिया अगर चैप्टर के ओवरव्यू को याद करें अपन, तो चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर नंबर तीन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। पांच मेन चीज हमने डिस्कस की। सबसे पहले की स्टेक होल्डर को देखा, और उसके लिए हमने मेंडेलो मैट्रिक्स को देखा जो कि पावर और इंटरेस्ट के बीच में टू डायमेंशन मैट्रिक्स को डिनोट करता है। हाई पावर, लो पावर, लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, इस तरीके से चार कॉम्बिनेशन बनते थे। हमने लोग बताए थे कौन की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स की बात हुई थी जिसमें हमने इंडस्ट्री और मार्केट की बात की, हमने कस्टमर की बात की, हमने चैनल्स की बात की, है ना। इस तरीके से हमने स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के बारे में भी बात की थी, क्लियर। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की भी बात हुई इसमें। उसके बाद फिर कोर कॉम्पिटेंस की बात हुई, कुछ यूनिकनेस, कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, जो दूसरे चाहते हुए भी कॉपी नहीं कर पाते हैं, वो है कोर कॉम्पिटेंस। और इस कोर कॉम्पिटेंस के कारण मार्केट में मिलती है आपको कॉम्पिटेटिव राइवलरी में एडवांटेज, एज ओवर द राइवल, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। उसके बाद हमने किया था शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी, T मतलब थ्रेट। पहले दो फैक्टर इंटरनल है, बाद के दो फैक्टर एक्सटर्नल है। इंटरनल टू एक्सटर्नल दोनों चीजों का अध्ययन, मतलब दोनों का अध्ययन है, अकेला इंटरनल नहीं, अकेला एक्सटर्नल नहीं, दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ये होता है शॉर्ट एनालिसिस, ये प्लानिंग टूल है। उसके बाद आज अपन ने फिनिश अप किया पढ़ के माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटेजी को, जो तीन है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है लार्ज ब्रॉड मास मार्केट में सबसे सस्ता होकर माल को बेचना, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे कम कॉस्ट रखनी पड़ेगी, इकोनॉमी स्केल पे जाना पड़ेगा, आपको कॉस्ट रिडक्शन मेथड अपनाने पड़ेंगे, एक कल्चर बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, हर आदमी कॉस्ट कॉन्शियस हो जाए और कंटेनमेंट के लिए फायदा देना पड़ेगा, तो आप बनेंगे कॉस्ट लीडर। दूसरा है डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में इतना अंतर कर दिया जाए
कि लोग आपसे लेने के लिए ललायित हो जाए, और उसके लिए आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं। तो फीचर्स को आप स्केल कर दो, प्रोडक्ट ब्रांड इमेज बढ़ा दो, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बना लो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्रांड लॉयल्टी जोड़ दो कि लोग आपको प्रीमियम देने के लिए तैयार हो जाएं। ये है डिफरेंशिएशन। ये दोनों ब्रॉड मास मार्केट के लिए था, लेकिन वही अगर आपका मार्केट सफिशियंट साइज का है, छोटा है, नैरो है, टारगेटेड है, लेकिन गुड ग्रोथ पोटेंशियल का है, तो वहां पे आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। फोकस कॉस्ट लीडरशिप उस छोटे टारगेट एरिया में सबसे सस्ता, और दूसरा फोकस डिफरेंशिएशन उस छोटे टारगेट एरिया में सबसे अलग। इस तरीके से फोकस काम करता है। एक और स्ट्रेटेजी जो कि माइकल पॉटर ने नहीं दी है, लेकिन इन सबको जोड़ के बनती है, जिसमें सबके गुण आ जाते हैं, मतलब फोकस कॉस्ट लीडरशिप के भी, उसमें फोकस कॉस्ट लीडरशिप के भी गुण हैं, फोकस डिफरेंशिएशन के भी हैं, ओवरऑल कॉस्ट लीडर के भी हैं और डिफरेंशिएशन के भी, सबसे मिलके बनती है, जिसको हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी स्ट्रेटेजी। वो कहलाती है हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, जिसमें सभी के छोटे छोटे गुण मिले हुए हैं। ये दो तरीकों से अचीव की जा सकती है। पहला तरीका, जितने फीचर सब लोग दे रहे हैं आप भी दे दो, प्राइस कम कर दो, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर हो गए। या जितने जितने प्राइस सब चार्ज कर रहे हैं उनसे ज्यादा फीचर आप दे दो, तो आप हो जाओगे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। फिर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझा, कैसे माइकल पॉटर की जनरिक स्ट्रेटेजी किस कीवर्ड के साथ जुड़ी हुई है, जैसे प्रीमियम क्वालिटी या प्रीमियम वर्ड के साथ जुड़ा हुआ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम वैल्यू फीचर्स के साथ जुड़ा हुआ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, इकोनॉमी ऑफ स्केल के साथ जुड़ा हुआ है लो कॉस्ट, और बिलो पॉवर्टी लाइन का टारगेट करना, टारगेटिंग, टारगेटिंग वर्ड जो है वो जुड़ा हुआ है हमारा फोकस के साथ में। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर।